नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मॉक ड्रिल, मौजूद रहे रेलवे एसीपी व अन्य स्टाफ कर्मचारी। आगामी 26 जनवरी को देखते हुए दिल्ली पुलिस पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रही है। इसी क्रम में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। घटना का दृश्य अजमेरी गेट की ओर यात्री हॉल क्षेत्र में एक भीषण बम विस्फोट का था। इसमें यात्रियों को सुरक्षित दूरी पर ले जाना, घायलों को अलग अलग अस्पतालों में ले जाना, घटनास्थल को संरक्षित करना और दोषियों को पकड़ना शामिल था। आयोजन एजेंसी दिल्ली पुलिस की रेलवे यूनिट जीआरपी थी और ड्रिल में आरपीएफ, रेलवे विभाग, नागरिक सुरक्षा, एनडीआरएफ, जिला पुलिस, यातायात पुलिस, फायर ब्रिगेड, बम निरोधक दस्ते, बम डिटेक्शन टीम, दिल्ली पुलिस और स्वैट टीम ने भाग लिया। विभिन्न एजेंसी द्वारा मौके पर पहुंचने के लिए ली गई प्रतिक्रिया और समय और भूमिका और जिम्मेदारियों का विश्लेषण किया गया। मॉक ड्रिल के समापन सत्र में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन एसीपी प्रवीण कुमार के नेतृत्व में हुआ और वहीं इस मॉक ड्रिल में जीआरपी एसएचओ नई दिल्ली राजेश मौर्य, पुरानी दिल्ली और आनंद विहार रेलवे स्टेशन के एसएचओ भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि आगामी 26 जनवरी के मद्देनजर दिल्ली पुलिस पूरी तरह से सतर्क है और आज इसी क्रम में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मॉक ड्रिल की गई, जहां पर पैरामिलिट्री स्क्वाड टीम, एम्बुलेंस, विभिन्न एजेंसियों से सभी स्टाफ मौजूद रहा, डॉग स्क्वाड की टीम भी रही। किस तरह से आतंकवादी गतिविधियों पर हम लगाम लगाते हैं और कोई भी घटना से पहले किस तरह से हम बचा सकते हैं, इस पूरी प्रक्रिया का आज यहां पर अमल किया गया और एक संदेश दिया गया कि दिल्ली पुलिस सदैव दिल्ली वासियों और लोगों की सेवा के लिए तत्पर है, हर हमले से मुकाबला करने के लिए तैयार है। मेरा नाम देवेश कुमार दीक्षित, मैं यहाँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल निरीक्षक के तहत पद पर तैनात हूँ और यहाँ की सुरक्षा के दायित्वों का यहाँ पर निर्वहन करता हूँ। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि 26 जनवरी का पर्व राष्ट्रीय है और बहुत ही संवेदनशील भी होता है। दिल्ली में संपूर्ण सुरक्षा के लिए पूरे भारत में ये प्रयास किया जा रहा है कि हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हो। इसी क्रम में हम इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने हमारे दिल्ली पुलिस के जीआरपी की और सिविल डिफेंस के और हमारे आरपीएफ विभाग और अन्य क्राइम ब्रांच PDDS, हमारा डॉग स्क्वाड आरपीएफ का, इसके साथ में मिलकर के ये मॉक ड्रिल की गई ताकि हम अपनी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त रख सकें और मौके पर सही समय पर पहुँच करके कार्यवाही कर सकें। ये लगभग 14:30 का समय था जब ब्लास्ट की हमें सूचना मिली और चूँकि हम लोग सब स्टेशन पे भी रहते हैं, हमारा दस्ता भी मौजूद रहता है, तो 5 से 7 मिनट में लगभग हम लोग आ गए थे और एरिया को, इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया था और उसके पश्चात हमारी जो एम्बुलेंस सेवा है या अन्य PDDS के हैं वो भी समयानुसार यहाँ पर आ गए। 26 जनवरी की तैयारियों के मद्देनजर अलग अलग एजेंसी से कोऑर्डिनेशन के लिए आज हमने 2:15 बजे एक बम ब्लास्ट और 2 टेररिस्ट अंदर गए हैं स्टेशन पे। इसकी एक मॉक ड्रिल की थी जिसमें 3 इंजर्ड थे और 2 डेड। 2 टेररिस्ट को अंदर स्टेशन से पकड़ा है। अलग अलग एजेंसीज का समन्वय देखा गया जो उसके हिसाब से पर्याप्त और उचित पाया गया है। जो भी कमियां होंगी उनको रिव्यू किया जाएगा। ये इस तरह की एक्सरसाइजेज अपनी अंदरूनी तैयारियों को देखने और उनमें सुधार के लिए की जाती है। यहाँ पर PCR, कैट्स एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, स्वाट, लोकल पुलिस, RPF, डॉग स्क्वाड, PDS, ये तमाम एजेंसी। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।